टाइम फॉर ईएल क्लासिको, बताया जाए तो एसोसिएट देश का ईएल क्लासिको किसे कहा जाता है? बताया जाए तो यूएई और नेपाल का बीच जो मैच खेला जाता है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। बताया जाए तो सेमीफाइनल खेला जाएगा एसीसी प्रीमियर कप का ओमान में, और इस मुकाबला में भी नेपाल और यूएई को खेलते हुए देखने वाले। बताया जाए तो नेपाल और यूएई का मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन हालिया फॉर्म देखा जाए तो यूएई एज वेल एज नेपाल दोनों का काफी खतरनाक है। जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं एसीसी प्रीमियर कप में, दोनों ही टीम बहुत मजबूत लग रहा है। बताया जाए तो ये एशिया कप में अपना स्पोर्ट बुक करने के लिए एसीसी प्रीमियर कप खेला जा रहा है इस बार ओमान में, और गत चैंपियन है नेपाल। क्या इस बार भी अपना जगह बना सकते हैं सेमीफाइनल से फाइनल में और वहां से एशिया कप में? तो देखने वाली बात होगी। जिस तरह का नेपाली सपोर्ट है ओमान में, जिस ओमान टीम को नहीं सपोर्ट मिल रहा है उतना सपोर्ट नेपाली टीम को मिल रहा है, नेपाली फैंस जाते हैं देखने। लेकिन बताया तो ईएल क्लासिको को इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेपाल और यूएई का मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, देखने वाला देखते रह जाता है। और नेपाल क्रिकेट टीम जिस तरह का प्रदर्शन कर रहा है वेल डन, बट ओपनिंग कॉम्बिनेशन अभी भी संतुलन नहीं लग रहा है। आई थिंक अनिल शाह को मौका देना चाहिए था, जिस तरह का विस्फोटक बल्लेबाज है। होपफुली नेपाल जिस तरह से खेल रहा है आगे भी खेले और एशिया कप में जगह भी बना ले। आप लोगों को क्या लगता है कि नेपाल एशिया कप में फिर से एक बार जगह बनाने में कामयाब होंगे या कुछ अलग देखने को मिलेगा? बाकी देखा जाए तो यूएई एक मैच हारे हैं टेबल में, और वही बताया तो नेपाल टेबल टॉपर रह चुके हैं ग्रुप ए का। तो यहाँ पे मुकाबला होगा टेबल टॉपर के साथ टेबल सेकेंड टॉपर, तो देखने वाली मैच होगा कि कौन सी टीम बाजी मारते है और फाइनल में अपना जगह बनाते हैं। ऑल द बेस्ट नेपाल के टीम, होपफुली यू विल डू इट अगेन। एंड नेपाली फैंस, जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और ऑल द बेस्ट फॉर द मैच यूएई वर्सेस नेपाल। जय नेपाल, जय नेपाल के टीम।